हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना। सो गाइस, आज ना मैं एक आउट ऑफ ट्रैक वीडियो लेकर आ गई हूं। वैसे तो मैं हेल्थ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं, बट मैंने पहली बार मीशो से शॉपिंग की है, कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं जिनमें से कुछ तो बहुत अच्छी हैं प्राइस के हिसाब से, और कुछ प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एवरेज सी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी उन चीज़ों को शेयर कर दिया जाए कि अगर आपको उनमें से कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाए कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ ज्वेलरी पीसेस से। सबसे पहला जो हमारा सेट है वो कुछ इस तरह का है, और ऐसे पन्नी के पैकेजिंग में आया है। पैकेजिंग थोड़ी सी बेकार लग रही है मुझे। जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से इस नेकलेस को किसी बॉक्स में आना चाहिए था। प्लास्टिक के बॉक्स ही दे देते जिसमें ये अच्छे से सिक्योर रहता, और हम कहीं पे अगर हमें कैरी करना होता तो हम इसको आराम से कैरी भी कर लेते। और मैंने जितने भी ज्वेलरी पीसेस मंगाए हैं उनमें सबसे महंगा यही वाला है, और यही वाला पन्नी में आया है। अदरवाइज जितने भी आए हैं उनके साथ एक प्लास्टिक की डिब्बी आई है जिससे हम अच्छे से उनको रख सकते हैं। सो ये ब्लू कलर का गोल्ड प्लेटेड नेकलेस है जिसमें कुछ इस तरह का पेंडेंट है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऊपर बीट्स का वर्क हो रखा है, नीचे कुंदन का वर्क हो रखा है। कुछ इस तरह की इसकी डोरी है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो, और ऊपर छोटे छोटे कुछ इस तरह से दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। साथ ही में इसके मैचिंग का वन पेयर ऑफ इयररिंग्स दिए हुए हैं, सॉरी, जो कि इसके पेंडेंट के मैचिंग के ही हैं। कुछ इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह से इसके इयररिंग्स हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये जो सेट है वो मुझे 197 रुपीज़ में पड़ा है, एंड इट वर्थ इट। और इसमें और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, लाइक ऑफ वाइट, रेड, मरून, ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन वगैरह। तो मुझे ये जो सेट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके जो बीड्स हैं वो भी एकदम लो क्वालिटी के नहीं हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। और जो पेंडेंट दिया गया है इसमें, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसके साथ जो इयररिंग्स आए हैं उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है। वैसे अदरवाइज़ क्या होता है ना कि इसकी जो पीछे की डंडी होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आती है ऑनलाइन, लेकिन इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो एक कॉम्बो है, कुछ इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। इसमें आपको एक मंगलसूत्र का सेट मिल जाता है और एक चेन मिल जाती है। तो मंगलसूत्र कुछ इस तरह का है, इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह की है, मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें दो इयररिंग्स दे रखे हैं जो पेंडेंट के मैचिंग के ही हैं, और इसकी जो चेन है वो लंबी वाली है, मतलब कि जो लंबे वाले मंगलसूत्र होते हैं ये वो है, शॉर्ट वाली नहीं है। इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब मैं आपको चेन दिखा देती हूँ। तो चेन कुछ इस तरह की है, ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह का वर्क दे रखा है और नीचे इसमें दो छोटे छोटे बीट्स जैसे पड़े हुए हैं। वैसे तो अच्छी लग रही है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप इसको पहनते हो तो ये अजीब तरीके से अकड़ जाती है, और ये एक तरफ भाग रहा है और ये एक तरफ भाग रहा है, मतलब कुछ इसकी सेटिंग ही बिगड़ी हुई है, इसलिए मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। और इसका जो हुक है ना वो भी बहुत ज़्यादा नाजुक सा है, लच्चर पच्चर सा है। तो बस ठीक ही है। इस कॉम्बो का जो प्राइस है वो 179 रुपीज़ है। अब 179 रुपीज़ में आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, लंबा वाला मंगलसूत्र मिल रहा है, वन पेयर ऑफ इयररिंग्स मिल रहे हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री चेन मिल रही है। तो चेन भी चल ही जाएगी, ऐसा समझ लीजिए कि 179 रुपीज़ का मंगलसूत्र है और ये फ्री में आ रही है। तो फ्री का जो माल होता है वो तो सभी को अच्छा लगता है, चाहे कैसा भी हो। थर्ड प्रोडक्ट, मैंने ये मंगलसूत्र ऑर्डर किया था जो कुछ इस तरह का था। डिस्प्ले पिक्चर में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, बट जब ये आया तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसकी जो चेन थी वो भी बहुत घटिया क्वालिटी की थी, और जो पेंडेंट एंड इयररिंग्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी के थे। इसका प्राइस जो था 143 था, बट इसकी जो क्वालिटी है वो 70 या फिर 80 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं है, बहुत घटिया क्वालिटी थी। अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना। फोर्थ प्रोडक्ट, अगेन मैंने एक मंगलसूत्र मंगाया है, फैंसी मंगलसूत्र है। ये इस तरह की पैकेजिंग में आया है, प्लास्टिक के बॉक्स में आया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने ना जाने कितने सारे मंगलसूत्र ऑर्डर कर डाले। एक्चुअली जो मेरी मम्मी है उनको मंगलसूत्र का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये जो सारी ज्वेलरी है ना वो मम्मी की ही है। एक्चुअली जो इस हॉल का सारा सामान है वो मम्मी का ही है, बस दो चीज़ें छोड़कर। वो कौन कौन सी है मैं आगे बताती हूँ, और वो दो चीज़ें मेरी हैं। सो फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह का है। इसमें ये पेंडेंट मिल जाता है,
इसके साथ ही ये रिंग मिल जाती है और दो स्टड मिल जाते हैं। अगेन इसकी जो डिस्प्ले पिक्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये थोड़ा साइज़ में बड़ा भी लग रहा था। जो इसका पेंडेंट है वो थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। बट जब ये आया तो वैसे तो ये अच्छा लग रहा है, नो डाउट। इसकी जो स्टड्स हैं वो भी ठीक हैं, बस इसकी जो डंडी है पीछे की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल लच्चर पच्चर सी एकदम नाजुक सी है। रिंग ठीक है, रिंग को बोल सकते हैं। ये भी चेन वगैरह सब ठीक है, लेकिन इसके चेन के पीछे जो ये हुक होता है ना, जो हम पीछे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लच्चर पच्चर है। जहाँ ये थोड़ा बहुत खिंचा वहीं ये टूट जाएगा। तो मैं इसको भी वापस करने वाली हूँ, रिटर्न की रिक्वेस्ट मैंने डाल दी है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। और इसकी ये जो रिंग है वो एडजस्टेबल है, तो अगर आपकी फिंगर्स मोटी या फिर पतली हैं तो आप इसको उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है सेट का, इस मंगलसूत्र का, वो 147 है। 147 के हिसाब से सही है, लेकिन इसके जो पीछे का हुक था ना वो थोड़ा सही देना चाहिए था, और जो इयर रिंग्स हैं उसकी जो डंडी है यार वो भी थोड़ी सी ठीक देनी चाहिए थी। इतने भी कम रुपए नहीं है, इतने भी कम पैसों का नहीं है कि आपको इतनी घटिया क्वालिटी की डंडी और हुक लगाना पड़ा। अगर ये दोनों चीज़ें इसमें सुधर जाती हैं, सुधर सकती हैं, तो ये जो सेट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे डिफेक्टिव पीस मिला हो। अगर आप मार्केट में मंगलसूत्र लेने जाते हो तो 150 रुपीस में आपको इससे अच्छा मंगलसूत्र मिल सकता है मेरे हिसाब से। तो 147 के हिसाब से जो मंगलसूत्र है वो। अब बारी आती है फिफ्थ प्रोडक्ट की, जो मेरा इस पूरे हॉल का फेवरेट प्रोडक्ट है, जो है ये सूट। ये जो सूट है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस सूट का किसी भी यूट्यूबर ने डिटेल में रिव्यू नहीं दिया है, ना ही बताया कि उनको अच्छा लगा या बुरा लगा। और जिन्होंने दिया भी है ना, उन्होंने ढंग से इसको डिटेल में नहीं बताया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब ये इतना ज़्यादा खूबसूरत सूट है तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि ये कैसा है, कितना कपड़ा वगैरह आता है। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप का फैब्रिक दिखा देती हूं, जो चंदेरी सिल्क में आया है और इसकी जो लेंथ है वो 2.3 मीटर है और इस पे गोटा पत्ती का कुछ इस तरह का वर्क हो रहा है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस पे इसके नेक पर भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया है, छोटे छोटे तीन बटन दिए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और नीचे की तरफ इस पे बॉर्डर दिया गया है और यहाँ पर पाइपिंग दी गई है गोल्डन कलर की। और इस कपड़े का जो अर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ये आराम से 3XL 4XL तक का कुर्ता इसमें स्टिच हो जाएगा। जैसा कि ये जो कुर्ता है वो चंदेरी सिल्क का है, तो इसके अंदर आपको इनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने इस सूट के साथ साथ इनर का भी फैब्रिक भेजा है। जो बॉटम का कपड़ा है वो और जो इनर का कपड़ा था वो एक ही पीस में आया था, वो 4.25 मीटर का था। अगर आप चाहें तो 2 मीटर का आप बॉटम बनवा सकते हैं और 1.7 मीटर को आप इनर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो साटन होता है वो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने तो पूरे 4.25 मीटर का जो कपड़ा था उससे एक घेरे वाला पटियाला स्टिच कर लिया, और इसके जो इनर है उसको उसके लिए मैं कॉटन का फैब्रिक यूज़ कर लूँगी, जिससे हम इस वाले सूट को गर्मियों में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। और इस सूट का जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका दुपट्टा। इस सूट को जो लेने का मेन रीज़न था वो इसका दुपट्टा ही था। बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था मुझे ये इसका दुपट्टा। इस पर जो वर्क हो रहा है वो गोटा पत्ती का वर्क हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो 2.3 मीटर है। और इसका जो फैब्रिक है वो मीशो पर तो जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसमें नेट लिखा था, बट ये मुझे नेट तो नहीं लग रहा है, कुछ इस तरह का है। ये मुझे वो जो सस्ता वाला ऑर्गेन्जा होता है ना वो लग रहा है, लेकिन कुछ भी कहो है तो बहुत ज़्यादा सुंदर। बट ओवरऑल ये जो सूट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और इसके आप जब प्राइस सुनोगे ना तो खुशी हो जाओगे। ये सूट आपको मिल रहा है मात्र 730 रुपीज़ में। मुझे तो 730 रुपीज़ का ही मिला था। हो सकता है कि थोड़े ऊपर नीचे हो जाए रेट, सस्ते भी हो जाते हैं और थोड़ा महंगा भी हो जाता है, लेकिन 730 का मुझे ये पड़ा था तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे। इसको आप इस वाले नेकलेस के साथ भी कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। आप इस नेकलेस के साथ इस सूट को किसी भी हल्के फुल्के फंक्शन में पहनोगे तो बहुत सुंदर लगोगे। अब बारी आती है सिक्स्थ प्रोडक्ट की, जो है एक कॉम्बो। ये 500 ml के दो बॉडी एंड फेस स्क्रब हैं, जेल स्क्रब हैं लस्टर कंपनी की तरफ से।
एक तो ये वाइन फ्लेवर में है और ये चॉकलेट फ्लेवर में है। ये जो वाइन वाला है वो अल्ट्रा एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है और ये जो चॉकलेट वाला है वो आपकी स्किन को सुपर सॉफ्ट और सुपर स्मूथ बनाता है। ये दोनों स्क्रब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। जब मैंने इनको ऑर्डर किया था तो बस मैंने ऐसे ही एमवाई ऑर्डर कर दिया था। इनके साथ मेरे कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं थे कि हाँ ये बहुत अच्छे निकलेंगे या फिर कुछ, बस ऐसे ही ट्राई मारने के लिए इसको मैंने ऑर्डर कर दिया था। बट जब मैंने इन दोनों को ही यूज़ किया, फेस पर भी यूज़ किया, बॉडी पर भी यूज़ किया, तो इनके जो रिज़ल्ट थे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये दोनों ही जो जेल स्क्रब है वो आपको 291 रुपीज़ में पड़ जाएगा। ये भी 500 ml है, ये भी 500 ml है, मतलब कि 291 रुपीज़ में आपको 1 kg स्क्रब मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। मैंने इन दोनों की सेपरेट रिव्यू वीडियो बना रखी है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पर जाके देख सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जिनकी पॉकेट मनी लिमिटेड होती है या फिर आपका बजट कम है तो आपके लिए ये जो स्क्रब है, इनका जो कॉम्बो है वो बेस्ट बाय रहेगा। अगर आप कम बजट में एक अच्छा स्क्रब चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतने कम पैसों में इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अगर आपको ये लेना है तो बस अभी ले डालो। सो लेट्स मूव ऑन द 7th प्रोडक्ट, जो है ये कॉटन का ग्रीन कलर का सूट। कुछ इस तरह का इस पर प्रिंट हो रहा है, बहुत प्लेन सा है और इसकी नेक पर भी ये कुछ डिज़ाइन है पोटली बटन की, और इस पर नीचे की तरफ एक बॉर्डर दिया हुआ है जो कि बॉटम के फैब्रिक से मैच करता है, मतलब कि बॉटम के फैब्रिक को ही एज अ बॉर्डर यूज़ किया है कुर्ते पर। और इसकी जो दुपट्टा है वो शिफॉन का दुपट्टा है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आराम देता है, और इसका जो बॉर्डर है उस पे टॉप का जो फैब्रिक है उससे बॉर्डर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में और मेरी टॉप से भी मैच कर रहा है, तो मेरी टॉप पे भी ये चल सकता है। इस दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो शिफॉन है और इसकी जो लेंथ है वो 2.25 मीटर है। टॉप फैब्रिक और जो बॉटम फैब्रिक है ये दोनों ही कॉटन के हैं और इन दोनों की ही जो लेंथ है वो 2.25 मीटर है। अब ये जो बॉटम है और ये जो दुपट्टा है इन दोनों का प्रिंट सेम रहेगा, जिसे आप किसी और कुर्ते के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसका जो प्राइस है वो 507 है, मतलब कि 507 रुपए में ही आपको सूट मिल जाता है। इसका जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला है, इससे आपको ना समर्स में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा कूल फील होगा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही और भी उसमें कलर थे, पिंक था, ब्लू था और येल्लो था और चौथा कलर ये था, बट मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बट मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे ये वाला जो पीस है वो रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये जो सूट है उसका डिफेक्टेड पीस रिसीव हुआ है। एक तो इसमें यहाँ पर होल दिया हुआ है, शायद आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ पर एक छोटा सा होल दिया हुआ है जो बहुत बुरा लगेगा और ऐसा लगेगा कि भाई घिसा पिटा सा मैंने सूट पहन लिया, नए नए वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इसका जो बॉटम है वो दो पीस में आया है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें तो वो 2.25 मीटर है, बट एक तो छोटा पीस है और एक थोड़ा सा बड़ा पीस है, मतलब कि टोटल अगर आप इसको मिलाओगे तो 2.25 मीटर है, बट इक्वल, मतलब इक्वल लेंथ में इसकी कटिंग नहीं हो रखी। एक तो छोटा पीस दे दिया, एक बड़ा पीस दे दिया, और मैंने और भी रिव्यूज़ वगैरह देखे थे तो उसमें एक सा ही बॉटम, मतलब जो फैब्रिक आया था वो एक सा ही आया था, कट में नहीं आया था, बट ये दो पीस में मुझे मिला है, तो इसमें पता नहीं कैसे ही बॉटम बन पाएगा। इसलिए जो दो तीन प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए इसको रिटर्न करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा सुंदर पीस है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। वो तो बाई चांस वाली बात है कि मुझे डिफेक्टेड पीस मिल गया। मुझे क्या लगता है ना कि मे बी ये जो पीस है किसी को रिसीव हुआ होगा, उसने अपना स्टिच करने के लिए बॉटम काटा होगा अपने साइज़ का और फिर उसको बाद में कुछ दिख गया होगा, या तो हो सकता है होल पहले से ही हो रहा हो, उसको होल दिख गया होगा और उसने रिटर्न कर दिया और वही जो रिटर्न पीस था वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया गया। ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, अब भगवान ही जाने क्या प्रॉब्लम थी। बट वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर पीस है, अगर ऐसी प्रॉब्लम ना होती तो मैं इसको सच में रिटर्न नहीं करती और
डेफिनेटली आपको मैं किसी ना किसी वीडियो में ये सूट पहने जरूर दिखती। तो आज का ये जो हॉल है यहीं पर खत्म होता है। मैंने पहली बार हॉल वीडियो ट्राई की थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कोई और प्रोडक्ट देखना चाहते हो, उसका रिव्यू चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे मैसेज करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें, जिससे कि जब भी इन फ्यूचर कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ मैं अभी, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बहुत खुश रहें।